हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों से बात करेंगे फिटनेस के बारे में। तो फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर व्यक्ति फिट नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है, और हर एक व्यक्ति फिट एंड सुंदर दिखना चाहता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप अपना टाइम टेबल जो है उसे सुधारना होगा फर्स्टली, क्योंकि अगर आप फिट रहते हैं तो आप सुंदर भी दिखते हैं। तो फिट होना बहुत ज़रूरी है सुंदर दिखने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सुंदर, थोड़े में सुंदरता प्रभावित है। तो आप कुछ प्रभावित नहीं है। आपको सुंदरता क्यों प्रभावित है? क्योंकि आप फिट नहीं हैं। आपको प्रॉब्लम ज़रूर कुछ है, और प्रॉब्लम पूछने से बस आपको यही पता चलेगा कि उनको कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम क्यों होता है? आप ऑफिस कर रहे हैं, फिजिकल पर कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा। आप तली फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम होगा कंस्टिपेशन का। तो इसके लिए आप क्या करें? सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, खाना हेल्दी डाइट खाएं, हरा सब्जी खाएं, और जहाँ तक आप एक्सरसाइज में जानते हैं पैदल चलें, खूब चलें, अलोम विलोम प्राणायाम करें, डेली करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन किए और 2 दिन के बाद छोड़ दिए और हम फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेली करते हैं तो आप फिट एंड सुंदर जरूर दिखेंगे, क्योंकि अगर सुंदर भी लोग देखना चाहते हैं तो उसके पहले आपको फिट होना होगा, हेल्दी होना होगा, फिट अंदर से रहना होगा। ऐसा नहीं कि अंदर से कुछ प्रॉब्लम है आप सुंदर नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि चेहरे पर सारी चीज़ झलक जाती है। तो इसके बारे में ही आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। पहला चीज़ कि आप सब सुबह उठें, 1 गिलास गुनगुना पानी आप पिए, फ्रेश हो लें, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं, पैदल चलें, जितना इच्छा हो उतना चलें। उसके बाद आप अलोम विलोम प्राणायाम में से व्यायाम करें, और आपको जो एक्सरसाइज आती है उसे एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप खाने में या नाश्ता में, जो लोग एक बार खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, जो हरा सब्जी का उपयोग करें, तली भुंजी और ऑयली फूड का सेवन ना करें, ये आपको प्रभावित करेगी, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो सबको मार देगी। तो ऑयली फूड ना खाएं, हरा पत्तेदार सब्जी का उपयोग करें। ये सब भी करते हैं तो आपको ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कंस्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान दें, क्योंकि अगर जब तक आपको पेट में कंस्टिपेशन होगा तब तक आप फिट नहीं रह सकते हैं। तो फिट रहने के लिए आप कंस्टिपेशन तो होना ही नहीं है, कंस्टिपेशन पर ध्यान दें, खुद उसे दूर करें। क्योंकि कोई बीमारी अगर आपके अंदर है तो आप खुद जान जाएगा, उस खुद बीमारी को जान जाए। अगर खुद से ठीक नहीं होता है तो आप नज़दीक के फिजिशियन भी जाएँ, होम्योपैथी के पास जाएँ और जा कर के बात करें, या कहीं भी कोई और दूसरे पैथी के पास भी जाएं, वहाँ जा कर के बात करें, आपको उस समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन जो हम बतला रहे हैं, आप वो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम क्यों है आप खुद जाने कि हमें कंस्टिपेशन क्यों है, हम क्या खा लिए कि हमें कंस्टिपेशन हो गया। इस चीज़ को अगर आप जान जाते हैं तो आपको कंस्टिपेशन दूर हो जाता है। लेकिन आपको सुंदर और फिट होने के लिए आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। ये सब अगर करते हैं तो आप फिट रहते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। क्योंकि अगर आपको आप मेरा ये बस यही कहना था, मेरा वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद समझिए, समझ सकते हैं। मेरा बस यही कहना था कि आपको सुंदर दिखने के लिए आपको फिट होना जरूरी है, अंदर से हेल्दी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पेट में कंस्टिपेशन हो, गैस हो और आप सुंदर कतई नहीं दिख सकते हैं। इसे अंदर से आप हेल्दी एकदम फिट एकदम है तो आप वो चेहरा भी सुंदर और दमक। ऐसा नहीं होता है कि बाजार से कोई क्रीम लाए और चेहरा पर लगा लेंगे तो सुंदर दिखे, ऐसा नहीं होता है। आप अंदर से अगर फिट है तो आपका चेहरा भी सुंदर दिखेगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर भूलिएगा। ऐसे मेरा वीडियो
कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप कंस्टिपेशन का वीडियो देखें। कंस्टिपेशन के लिए कुछ नहीं, लीवर में अगर हल्का प्रॉब्लम होती है या और कोई बढ़ जाती है सिम्टम पर, होम्योपैथिक मेडिसिन जिंदा है इतना जान जाए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए भी बहुत अच्छा। और पैथी में सब पैथी का अपना अपना फंडा है, सबका ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो हम बताएं कि आप सवेरे उठ के सुबह जागें, सवेरे उठ के एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, ऑयली फूड ये सब ना खाएं। अगर ऑफिस भी जाते हैं तो भी आप घर पर आते हैं थोड़ा सा पैदल जरूर चलें, एक्सरसाइज, खाना खाएं, टाइम पर खाएं। ये सब करने से अगर आप फिट हो जाते हैं तो आप सुंदर जरूर दिखिएगा। कोई भी ऑयल, कोई भी शैम्पू, कोई भी क्रीम चेहरा को सुंदर नहीं करती है, ना आपको बाल को लाती है। आपको बाल को भी प्रॉपर बेहतर रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपका बाल भी सुंदर होगा, चेहरा भी सुंदर होगा, अंदर से आप फिट होगा। एक्सरसाइज के लिए बाल का एक नॉर्मल सा बता रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज आप तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, ये फायदेमंद एक्सरसाइज है माय पॉइंट ऑफ व्यू का। सभी लोग बोलते हैं, जो लोग नहीं बोलते लेकिन हम जानते हैं कि रामदेव भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज कारगर है। तो मेरा ये वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।